अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है एक्सरसाइज 14 की क्लास नंबर 14, जिसमें हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो मैं रूटीन में एक एक क्वेश्चन करवाता आ रहा हूं, सिर्फ इसलिए ताकि जिसने नहीं देखना यार वो बाकी क्वेश्चन बेचारा क्यों देखे। जिसने वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली देखना है ताकि वो वही क्वेश्चन को देख पाए। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि मैं सारे क्वेश्चन को इकट्ठा क्यों नहीं बना रहा। कहीं ऐसा ना हो किसी ने क्वेश्चन नंबर 13 देखना हो, 11 देखना हो, तो उसको बेचारे को बाकी सारे क्वेश्चन भी बर्दाश्त करने पड़े। सिर्फ यही एक रीज़न है जिसलिए मैं हर क्वेश्चन को अलग वीडियो में बना रहा हूँ। लेकिन ये सिमिलर काफ़ी हैं, इसमें एक दो चीज़ें अजीब सी हैं जो डिस्कस भी करनी है, सो इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। सोल्यूशन सेट फाइंड करना, गेम वही है बट थोड़ी सी कहानी चेंज होने लगी। ज़रा समझिएगा इन क्वेश्चंस को मज़े से ठीक से। साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू कोस 3x, इसको देख के कुछ याद आता है। साइन p माइनस साइन q, फॉर्मूलाज आपने रिवाइज रखने हैं। सो साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2, साइन p माइनस q ओवर 2 इज इक्वल टू जो चीज़ है वैसे की वैसे ही। आई होप आप समझ रहे हैं, मैं तेज़ बोल रहा हूँ। कंटिन्यू कर लेते हैं दोबारा से फॉर्मूला। अगर आप चले मैं लिख देता हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। यहीं लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू हो साइन पी और माइनस में आ जाए साइन क्यू, मतलब दो वैल्यूज़ हैं पी एंड क्यू और बीच में क्या है माइनस, यानी ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा और बीच में है माइनस। तो इस सिचुएशन में हम लिखते हैं 2 cos p प्लस q ओवर 2 और फिर आता है साइन और p माइनस q ओवर 2। मैं लिखना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि आगे फिर लिखना पड़ेगा, तो अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज रखना है। कंटिन्यू करते हैं हम अपने काम को। अकॉर्डिंग टू दैट 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2 और cos 3x स्टिल देयर। यहाँ क्या हुआ 2 cos 4 प्लस 2 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3x साइन 4 में से 2 गए तो 2x, 2x को 2 पे करेंगे तो सिंपल x एंड cos 3x इज स्टिल देयर। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्या हुआ कुछ भी नहीं, ये वैल्यू एज इट इज़ 2 cos 3x sin x ऐसे का ऐसे ही और cos 3x इधर आके हो गया माइनस। हमने देखा cos 3x दोनों में है, इस चीज़ में भी है, और यानी कि ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है। दिस इज़ वन वैल्यू एंड दिस इज़ वन वैल्यू। वी टेक आ cos 3x एज ए कॉमन, cos 3x इससे कट गया तो ये बचा क्या 2 sin x। आई होप समझ आ रही है या माइनस cos 3x, cos 3x से कट गया और यहाँ आ गया 1 इज इक्वल टू 0। वही काम एक दफ़ा cos 3x इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 साहब इधर आके प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि sin 1 ओवर 2 जो होता है वो पाई बाई 6 होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये 5 पाई बाई 6 कहाँ से आया सोचो ना। देखो साइन यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर मैं क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग देखूँ, ठीक है किसके अकॉर्डिंग देखूँ, आई नो दैट इन क्वेश्चंस में हम क्वाड्रेंट्स को नहीं देखते, आई नो दैट। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि बुक में पीछे आंसर्स लिखा है 180 तक, 180 भी नहीं 2 पाई तक वो जा रहा है। तो आपने मे बी वो चार्ट ना देखा हो जिसके अकॉर्डिंग साइन 1 ओवर 2 टू टाइम्स होता है। एक होता है 0 से 90 के बीच पाई बाई 6 और फिर आता है पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई के बीच, वो आता है 5 पाई बाई 6। अगर आप चार्ट देख लेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे, और अगर आपने फाइंड करनी हो तो मैं तरीकेकार बताने लगा हूँ। कोई मुश्किल तरीका नहीं, वही तरीका है। साइन क्या है पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि अगर आप उस तरीके से फाइंड करेंगे तो आई होप सो कि आपकी वैल्यू निकल आएगी। वरना सही सच्ची बात करूँ लिटरली तो सच्ची बात यही है भैया कि यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2 पाई तक जाना है आपने, यानी कि आपने 0 से 90 डिग्री तक नहीं जाना, 0 से 360 डिग्री तक टेबल को देखना है। तो फिर आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे कि साइन दो दफ़ा रिपीट हो रहा होगा, साइन 1 ओवर 2 होगा पाई बाई 6, साइन 1 ओवर 2 ही होगा 5 पाई बाई 6। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इधर की स्टोरी भी बिल्कुल वैसी है। इस स्टेप को बेशक आप ना लिखें, नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये स्टेप मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आदत है ऐसे लिखने की। cos 3x ज़रा ठीक से समझना है क्योंकि ये स्टोरी आगे भी चलने वाली है। ये बोर तो मैंने कर दिया, इन्हों घुमा दिया। अच्छा अगर मैं इसको हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब कोई मसला नहीं, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन टेबल चला गया है बुक के अकॉर्डिंग आगे 360 तक, इसलिए मुझे दूसरी वैल्यू भी लिखनी पड़ी। अब यहाँ की स्टोरी ज़रा मिल के देख लेते हैं, सीख लेते हैं। देखें cos जो है वो 0 कहाँ कहाँ है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ लिख देते हैं cos 3x और इधर लिख लेते हैं cos 0 कहाँ कहाँ होता है। ये फिर वही बात आ गई, दो जगह पे होता है, पाई बाई 2 पे भी होता है और 3 पाई बाई 2 पे भी होता है। जी हाँ, अगर आप टेबल को 0 से लेके 180 तक भी देख लें, या 180 तक ही आता है, ये बीच में आता है ना 270 के, ठीक है। तो मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इसके दो आंसर आते हैं। जी हाँ, आप बेशक निकाल के देख लीजिएगा।
बल्कि निकाल के ज़रूर देखो, गूगल पे जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल काफ़ी सारा ज़्यादा सारे आ जाएंगे, उनमें देखो 360 तक कौन सा जा रहा है, उसको एक दफ़ा ओपन करके सामने रख के साथ साथ क्वेश्चन देखो, ताकि आपको यकीन आ जाए कि सर झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं, ऐसा होता है। ऑलराइट, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेफरेंस एंगल लिखेंगे कोज का। हम सिर्फ कोज जीरो की बात कर रहे हैं, 3x को नहीं देख रहे, 3x एज इट इज़ ऐसे ही है। इसका क्या करेंगे अभी बात करते हैं, जैसे होता है ना सिंपल वे में हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो x इधर आ जाता है, साइन को ख़त्म कर देते हैं, वही करेंगे, 3x रह जाएगा, कोज को ख़त्म कर देंगे और कोज जीरो है हमारा पाई बाई टू एंड 3π/2। आई होप यहाँ तक समझ आ गई। तो फिर इसका क्या करेंगे, हमें तो x चाहिए, कोई मसला नहीं, ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड होगा, सो 3 to the 6, इधर भी ऐसे ही 3 to the 6, तो ये आपके फाइनल आंसर्स आ गए, दैट्स इट। अब क्या करना है, वही जनरल वैल्यूज लिखनी है आपने, और जनरल वैल्यू लिखने का तरीका पाई बाई 6 प्लस एंगल कौन सा है कोस, तो 2nπ आएगा, फिर कोमा, फिर है 3π/6। आई नो आई एम बोरिंग यू, पर क्या करें यार, अब काम ही ऐसा है, फिर कोमा, इधर की भी पाई बाई 6 प्लस 2nπ और इसी तरह 5π/6 प्लस 2nπ, दैट्स इट। अब आपने बाकी काम तो आप जानते ही हैं, वो क्या, सोल्यूशन सेट। अब आपने इन्हीं वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिख देना है, कैसे, पाई बाई 6 प्लस 2nπ यूनियन 3π/6। बोरिंग यार, आई नो दैट, पर क्या करूँ, पूरा लिखना मुझे ना, पूरा ना लिखूँ तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आ जाता है सिंपल पाई बाई 6 प्लस 2nπ और फिर आ जाता है, अच्छा पाई बाई 6 रिपीट हो रहा है, अरे वाह, तो इसको चाहे एक दफ़ा लिख सकते हैं, नोट अ बिग डील, अब लिख दिया तो इट्स ओके। और लास्ट पे आ जाएगा 5π/6, या 5π/6 प्लस 2nπ। राइटिंग के लिए माजरत, अगर रफ हो भी जाए तो इट्स ओके, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, एंड आई होप कि आपको समझ आ गई हो। कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन में, भी कुछ खेल ऐसे ही हैं, आई होप ये समझ आ गया हो, कि जहाँ से कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ऑलराइट, साइन एक्स प्लस कोस 3x इज इक्वल टू कोस 5x। तो हमने ये देखा कि यहाँ कोस साइन के साथ है, यहाँ कोस है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो कोस पी माइनस कोस क्यू का फॉर्मूला बन सकता है। फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, सॉरी, या साइन एक्स इज स्टिल हेयर, कोस 3x इधर जाके हो गया माइनस कोस 3x। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कोस 5x माइनस कोस 3x इज इक्वल टू कोस 2x। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एंगल्स हैं, इनको माइनस नहीं कर सकते। ठीक से समझना बातों का, ओके। सो साइन एक्स स्टिल हेयर, ये चीज़ हमारी पी बन गई, यानी 5x हमारा पी बन गया और ये हमारा क्यू बन गया, जी हाँ। और कोस पी माइनस कोस क्यू में माइनस साइन आता है पहले, माइनस टू साइन आता है पहले, तो वही लिखा माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं या उसका कोई हल नहीं है, रिवाइज ही करने पड़ेंगे। माइनस टू साइन 5 और 3 कितने हो गए, 8 को 2 पे किया तो 4x, साइन 5 में से 3 गए तो 2x को 2 पे किया तो 1x। आई होप यहाँ तक क्लियर है, वही सेम स्टेप्स हैं, कोई खासा प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। ओके, ये पूरी की पूरी चीज़ उठ के जब इधर तशरीफ़ लाएगी साइन एक्स के साथ, तो क्या होगा, साइन एक्स अपनी जगह पे, और ये पूरी चीज़ जब इधर तशरीफ़ लाई तो माइनस से प्लस 2 sin 4x साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगी। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल सा काम है, वही पुराने वाला। आगे क्या हुआ, साइन एक्स कॉमन है, देखें अगर, तो ये एक चीज़ है और ये भी एक चीज़ है, एक एक फंक्शन है, तो हमने क्या किया कि दोनों में क्या कॉमन था, साइन एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स से कटा आ गया 1 प्लस साइन एक्स से कटा क्या बचा 2 sin 4x। ओके, सो साइन एक्स इज इक्वल टू 0। और फिर वही बात जो हम क्वेश्चन नंबर 3 से मेरे ख्याल से हमने करनी शुरू की थी, कि अगर एंगल 0 आ जाए तो 0 से 90 तक तो 0 ही बनता है, साइन 0 जो है वो 0 ही होता है 0 से 90, पर 90 से 180 तक देखें तो पाई होता है। हाँ, ये देखना पड़ेगा यार आपको, बार बार बोल रहा हूँ, ये बातें बार बार आ रही हैं, जी हाँ। सो एक्स इज इक्वल टू साइन 0 क्या है, 0 भी है और पाई भी, ये तो हो गया। अब इधर की बात मज़ेदार है, वही वाला खेल दोबारा से, जी हाँ, बोर करने लगा हूँ, माजरत, सुनिएगा ज़रा। अच्छा जी, 2 sin 4x इज इक्वल टू माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो गया। ये लिखने का तरीकेकार है, ज़्यादातर लोग ऐसे लिख देते हैं, पर मैं इसको फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं लिखता। तो आंसर आना चाहिए 4x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल 1/2 का क्या होता है, साइन के साथ, साइन 1/2 क्या होता है, पाई बाई 6। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि ये आ गया पाई बाई 6, पर अगर मुझे अगली वैल्यू भी पता करनी है कि यानी कि साइन माइनस 1/2 क्या होता है, तो आपको 180 तक देखना पड़ेगा, जी हाँ, आपको 180 तक जाना पड़ेगा। पर मैं अगर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। ये बस एक रफ सा तरीका है, असल तरीका ये नहीं है, असल तरीका वही है, कोमा लगाओ और यहाँ पे 0 से 180 तक टेबल को देख के लिखो, और कोई तरीका नहीं है, असल तरीका वही है। लेकिन मैं रफ तरीके से, अपने तरीके से आंसर निकाल के आपको दिखाता हूँ, मे बी सेम निकला है। साइन इज़ नेगेटिव इन, नेगेटिव कहाँ होता है भाई, सिंपल है, थर्ड एंड फोर्थ में। ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड की बात नहीं करते,
क्योंकि थर्ड के हिसाब से समझिए आंसर आ गया, क्योंकि हम यहाँ तक चले गए। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ का मतलब है कि 2π से कम हो रहा है, तो ज़रा देख लेते हैं बात बनती है कि नहीं। 2π माइनस पाई बाई सिक्स, सिक्स टू द 12π माइनस पाई बाई सिक्स, और ये आ गया 11π/6। सो आई होप कि यही आंसर होगा आपकी बुक में पीछे अगर आप चेक करेंगे तो, कि हम इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, रैप कैसे करेंगे, कि ये चीज़ आ जाएगी 11π/6। और जैसे वहाँ किया था कि x अलग करना है, तो सिंपल बात है 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो 6 टू द 24, 11π भी अपनी जगह पे, और 6 4 द 24। दैट्स इट, ये हमारे चारों आंसर्स आ गए। अब वही जनरल वैल्यू का तरीका, कि जनरल वैल्यूज़ आर, जीरो को निगलेक्ट कर दो, नो प्रॉब्लम, पाई प्लस साइन है तो 2nπ कॉमा π/24 प्लस 2nπ, या और फिर कॉमा 11π/24 प्लस 2nπ। अभी हंसी तो अब निकलेगी जब सोल्यूशन सेट लिखूंगा, या और फिर से सोल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, या जब भी आंसर लिखना सोल्यूशन सेट में लिखना, यानी कि पाई प्लस 2nπ यूनियन π/24 प्लस 2nπ यूनियन 11π/24 प्लस 2nπ, और अब यूनियन ही डालूंगा, सेट को ख़त्म करूंगा। दैट्स इट, क्वेश्चन 14 एंड 15 आर डन नाउ, एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इन खड़ूस से अजीब से इरिटेटिंग से क्वेश्चंस को समझने में, बट आपकी प्रैक्टिस ही रंग लाएगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई नो दैट, पर मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो अगर ये चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।